हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम अभी हैं दीव में और दीव फेमस है अपने बीचेस के लिए, इसलिए हम भी पहुंच चुके हैं दीव के बीच जलंधर बीच पर। जालंधर बीच के पास बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है। चलिए पहले हम लोग ऊपर चलते हैं, वहां से व्यू देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीव एक आइलैंड है और यहाँ जगह जगह आप समुद्र के किनारे बैठ सकते हैं। मेनली यहाँ 5 फेमस बीचेज है, घोगला बीच, जालंधर बीच, चक्रतीर्थ बीच, गोमती माता बीच और सबसे फेमस नागोवा बीच। जालंधर बीच दीव के शांत और साफ बीचेज में से एक है। अगर आप पीसफुल बीचेज के शौकीन हैं तो आप यहां आ सकते हैं। अगर आपको बीजी और वाटर एक्टिविटीज वाले बीचेज पसंद है तो आप लोग नागोवा बीच जा सकते हैं। यहां के पीसफुल लोकेशन में आप आराम से और अच्छे तरीके से पिक्चर भी क्लिक करवा सकते हैं। अभी दोपहर का समय है और फिलहाल लोग कम हैं। धीरे धीरे लोग भी आने लगे हैं। हम लोग भी नीचे आ चुके हैं और इस बीच का आनंद ले रहे हैं। जालंधर बीच के बाद अब हमारी सवारी निकल चुकी है नायडा केव के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमें नायडा केव बंद मिला। ये शायद कोविड की वजह से हो सकता है या फिर कोई और दूसरा रीजन भी हो सकता है जो कि हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई लोग मौजूद नहीं थे। यहाँ जो ये पेड़ देख रहे हैं ये भी दीव की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। नायडा केव दीव के वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। यह एक नेचुरल केव है और दीव में पुर्तगाली स्ट्रक्चर्स और बीचेस के बीच यह प्लेस कुछ अलग प्रदान करती है। लेकिन यह आज तो बंद था तो अब क्या ही किया जा सकता है। और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये है जाम्पा वाटरफॉल, जो कि एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शायद इसे बंद कर दिया गया। अब लंच का टाइम हो चुका है और भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी लंच करने के लिए। रास्ते में हमें यह एक स्ट्रक्चर दिखा। इस स्ट्रक्चर को जाम्पा गेटवे कहा जाता है और इसी के आसपास आपको लंच के ऑप्शंस मिल जाएंगे।
हम लंच करने के बाद अब निकल चुके हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन INS खुखरी मेमोरियल के लिए। देखिए रोड समुद्र के साथ साथ चल रही है और ऐसे बीचेज और व्यूज दीव में नॉर्मल है। आप चाहें तो वहाँ भी जा कर के कुछ समय बिता सकते हैं, फोटो क्लिक करवा सकते हैं। और ये जो प्लेस है वो INS खुखरी मेमोरियल के पास ही स्थित है। फाइनली हम INS खुखरी मेमोरियल के पास पहुंच चुके हैं और इस बीच का नाम है चक्रतीर्थ बीच और वहां ऊपर बना हुआ है INS खुखरी मेमोरियल, जहां जाने के लिए उन घुमावदार रास्तों से होकर जाना पड़ेगा। आप वहां पैदल जा सकते हैं, नहीं तो वहां तक जाने के लिए यहां आपको कैडी मिल जाएगा। कैडी का चार्ज है पर पर्सन 40 रुपये, जिसमें वो आपको ऊपर तक छोड़ देगा और फिर ऊपर से नीचे भी लेकर के आएगा। हमने भी कैडी से जाना प्रेफर किया और देखिए ऊपर तक जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, तो आइए इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाते हैं। INS खुखरी इंडियन नेवी के द्वारा इंडिया पाकिस्तान वॉर में 1971 में उपयोग किया गया था। इंडिया पाकिस्तानी वार के दौरान इस नेवी शिप पर एक टॉर्पीडो से हमला हुआ था, जिसके बाद इस शिप पर जितने ऑफिसर्स और सोल्जर थे वो शिप को छोड़कर जाने के बजाय उसी शिप पर रहे और देश के लिए खुद को न्यौछावर कर दिए। इसमें टोटल 194 लोग थे। यहाँ उन 194 लोगों का नाम लिखा हुआ है जो उस शिप के साथ ही अपनी जान गवा दिए। उनकी याद में यह मेमोरियल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय का यह कदम तारीफ के काबिल है। यह मेमोरियल जिस लोकेशन में बनाया गया है वह जगह भी बहुत खूबसूरत है। वैसे तो पूरी दीव ही खूबसूरत है। आइए यहाँ से थोड़ा नीचे उतरकर देखते हैं।
INS खुखरी के बगल में यह जो बीच है उसका नाम है चक्रतीर्थ बीच। यह भी जलंधर बीच के जैसा ही शांत बीच है। और अभी दोपहर का समय है और सूरज सर पर चढ़ चुका है, तो हम लोग बीच पर फिलहाल नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप शाम को आकर बीच का मजा ले सकते हैं। यही पास में हमने आइसक्रीम खाया और अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकलने वाले हैं, जिसे हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे दीव का सबसे फेमस बीच नागोवा बीच। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।